ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सब विश्व के लिए आँखें बंद करके दुआ करें, किरणें भेजें। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले, सबकी चेतना ऊपर उठे, चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन रोजगार मिल रहा है, शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है, सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है, उपचार प्रकाश शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है, सबको भरपूर हवा जल धूप ऑक्सीजन मिल रही है, सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं, ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है, सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है, आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें, अपने मन में, अपने शब्दों में,
अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। सब विश्व के लिए आँखें बंद करके दुआ करें, किरणें भेजें। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले, सबकी चेतना ऊपर उठे, चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन है। सबको भोजन रोजगार मिल रहा है, शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है, सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है, उपचार प्रकाश शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है, सबको भरपूर हवा जल धूप ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं, ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। प्रार्थना के अंत में
अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। उच्चतम चुनाव, उच्चतम दृष्टिकोण, उच्चतम चुनाव। और वो उच्चतम दृष्टिकोण से हो सकता है, दो ट्रक जा रही है, बीच में रस्सी बंधी हुई है, यानी एक को खींचते हुए जा रही होगी, एक बंद पड़ी होगी तो खींचते हुए जा रही, तो एक हंसता है मित्र को कहता देख कैसे पागल लोग है, एक रस्सी को उठाने के लिए दो दो ट्रक लगा दी है, तो वो निम्न दृष्टिकोण से देख रहा है। कोई मध्य का होगा तो कहेगा एक खराब हो गई ये ट्रक, दूसरी अच्छी है चल सकती है, वो उसको खींचते लेके जा रही, ये मध्य है। जो ऊपर है वो कहेगा प्रेम की रस्सी से ही दुनिया की गाड़ी, जीवन की गाड़ी चलती है। ये उच्चतम चुनाव या उच्चतम दृष्टिकोण रखने वाला इंसान, वो देख रहा है प्रेम है, कोई मदद कर रहा है उसको वो दिखाई दे रहा है, ट्रक नहीं दिखी उसको, रस्सी नहीं दिखी उसको, देखा प्रेम। तो किस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं? एक्स्ट्रा जो भी है वो बंद करो, एक्स्ट्रा जो भी है, एक्स्ट्रा जो बोलते हो वो बंद करो। सामने वाला 4 बजे नहीं आया, इतना सही है, उसने धोखा दिया, जले पर नमक डाला, और जो भी इंसान सोचता है मेरी सास ने ये किया वो किया, जो एक्स्ट्रा बोला जा रहा है वो एक्स्ट्रा जो भी है उसको फुली लगानी है, उसको क्रॉस करना है कि ये एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। कितना ज़्यादा इंसान एक्स्ट्रा बोलता है अननेसेसरी, और अपने ही शब्दों में फिर फंस जाता है, बोलकर अपने ही शब्दों में फंस जाता है। तो एक्स्ट्रा बोलना बंद, एक्स्ट्रा खाना बंद, एक्स्ट्रा टीवी बंद, तो एक्स्ट्रा जो भी है ऐसी बातें जो हमें उलझा रही है सब बंद। दूसरों के मामले में एक्स्ट्रा नाक टांग अड़ाना, एक्स्ट्रा जो भी कर रहे हैं वो बंद, एक्स्ट्रा चुगली, एक्स्ट्रा निंदा सुनना बंद। जेन मास्टर्स हुआ करते थे जो शब्द कम देते थे, मौन ज़्यादा, पहेली ज़्यादा, लोगों को पहले समझ में नहीं आता, और उन लोगों को जो इस तरह की साधना करते थे जेन गुरुओं के साथ, उनको कई दिनों तक एक ही पहेली पर मनन करने के लिए कहा जाता था, तो मनन करते करते वे मौन में पहुंच जाते थे। तो ऐसी कौन सी चीज़ दिन भर खाए भूख ही रहे, ऐसी कौन सी चीज़ न खाकर भी भूख न लगे? देखोगे हर पहेली का इशारा मौन की तरफ ले जाने के लिए, मन और सेल्फ के बारे में बताने के लिए। मन दिन भर खा रहा है मगर फिर भी लगता नहीं कि पूरा हुआ खाना, उसको और चाहिए, सेल्फ कैसा है, और इतने सारे कार्य होने के बावजूद भी उसे भूख नहीं लग रही है, तो एक अवस्था है। तो हर पहेली का पर्पस कि लोग उस अनुभव पर पहुंच जाएं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।